मैं तो वैसे हंसी से हूँ, मेरे ससुराल तो अभी यहाँ से आए हैं, बम्बई से। बम्बई से चौकी तेरे घर में चलती है क्या? हाँ, मेरा आदमी हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो अभी 2 साल हो गए, पीने भी लगे हैं और काम धंधा बिल्कुल हो गया खराब, और बात भी नहीं मानता, शराब बहुत पीते हैं। कहीं से पूछा ली थी? कहीं नहीं, पहली बार ली। गुरु कौन है उसका? गुरु नहीं बनाया, बजरंगबली को ही गुरु मानता है। ऐसे कैसे, जब चौकी लगा रहा है तो गुरु के बिना चौकी कभी चलती है क्या, ये बता। वो गुरु नहीं मानता, इसे नहीं मानता। तो फिर भुगत लेना है। तो अभी तो दो पहले सब सही नहीं था क्या? सही था बिल्कुल, अभी तो पैसा हाथ में रहता ही नहीं और बात नहीं मानता है। तो जब भक्ति को छोड़ोगे, भगत भगवान भी तो तब तक देखता है ना, जब भगत उसकी अगर सही रास्ते पे चलता है तभी तो भगवान साथ देगा ना, ऐसे कैसे दे देगा। तुम लोगों ने तो खेल बना लिया है क्या, जितने मन किया उतने भक्ति कर ली और छोड़ दिया, जब मन किया तब छोड़ दिया। तो उसका मन था तब तो बहुत किया, तब तो इस चीज के पीछे ही नहीं था, शराब को हाथ ही नहीं लगा था, अभी शराब के पीछे तो भूत हो गए। यह भगत कौन आता था मुझे ये बता पहले, तेरे घर पे भगत और कौन आता था? चौकी वाला है, काली की चौकी लगाता था। वो तो मुझे नहीं पता, बाहर का होगा कोई, घर पे तो एक ही जन आया था, उसके बाद मेरे बच्चों पे प्रभाव पड़ने लगा तो मैंने बंद करवा दिया। वही तो बता रही हूँ तुझे। वो मेरी ननद का लड़का है, उसको ये चीजें आई है बच्चे तेरे घर में, तो फिर अब दूर कैसे होगी वो? ये शमशानी रात भी छोड़ी गई है तेरे घर पे। क्यों छोड़ी वो फिर, जादू सुनाई निकाली उससे? वो तो तेरे सामने आ जाएगी कि क्या दुश्मनी निकाली है। उसको शमशान में लेके शराब भी पी के आए भैरवनाथ। हाँ, तो शमशानी चीजें छोड़ी है तभी तो बता रही हूँ ना। तो कौन है वो, मुझे कैसे पता चले, मैं तो ये सब चीजें कहीं पे भी नहीं जाती। तो कहीं नहीं जाती बच्चे, लेकिन और कहीं से तेरे पास चीजें तो आ रही है ना। हाँ वो तो, हाँ तो सरकार छोड़े गए हैं बच्चे। ये मुझे ये बता, ये सावले से रंग की जनानी कौन है? मोटी सी है भाई। मोटी सी है? हाँ, सावले से रंग की है जनानी। एक तो सावले रंग की मेरे मेरी रिश्तेदारी में ही है। आना जाना भी है तेरे घर में उसका। जेठानी कविता सांवले से रंग के तरह, कई बार किसी चीज के बहाने आती है वो। अभी तो ध्यान कर लेना, ठीक है? सांवले से रंग की जनानी है, तेरे परिवार से ही है, किसी चीज के बहाने तेरे पास आती भी है, सामान भी लेके आई है तेरे घर पे वो, ठीक है? खाने वाला सामान लेके आई है। अच्छा, तो अभी तो मुझे नहीं पूरा ध्यान आ रहा, मुझे इसका हाल बता दो आप। जिसे ये सब करके इलाज भी करता था क्या, ये बता मुझे। किया था दो जन, तो वही चीजें तेरे घर में भी घूम रही है। ये पहली बार किसी का इलाज किया था जिसके ऊपर जपे वाली चीज चलती थी, जपे है ना, भोजन का ही किया था। किया था ना, वही चीज तेरे घर में घूम रही है भाई। तो उसका क्या इलाज? हाँ, पहले तो अपने घर का बेटा इलाज करवा, अपने घर से ये चीजें है निकलवा, चौकी को शुद्ध करवा। जब तक ये चौकी और तेरा घर शुद्ध नहीं होगा बच्चे, तब तक देवी देवता तेरे घर में प्रवेश नहीं कर सकता। और ये तुझे पता है बजरंग बली है जो शुद्ध वैष्णो, ठीक है? तो जब तक ये घर में मीट मांस चलेगा तब तक ये प्रवेश नहीं कर सकता। और उसको बोल दे अपना कोई नया गुरु धारण कर ले, जब तक गुरु धारण नहीं करेगा बेटा कौन फूट जाएगा उसकी, पहले बता रही हूँ, बाद में मत कहना कि माँ तूने हमें बताया नहीं है, ठीक है? सारा शरीर उसका खराब हो जाएगा क्योंकि बच्चे उसने बहुत गलती की है। तो पहले ये काम कर दे जाके, घर पे इसके नाम की अरदास रख दे, सूखा नारियल और 11 रुपए की अरदास मौली के अंदर लपेट के 2.25 मीटर का लाल रंग के कपड़े के अंदर बांध के रख दे इसके आगे, सब सही कर देगा। और अपने घर का है जो बड़े ये चीजें तेरे घर में फिर रही है इनको दूर करा बच्चे, अपने घर का इलाज करवा। जो शमशानी तांत्रिक क्रिया की गई है बच्चे तेरे घर पे, पानी के छींटे भी आए हैं तेरे घर पे, हाँ
पीली सरसों तेरे दरवाजे के बाहर पड़ी थी, उसके ऊपर तांत्रिक क्रिया की गई है बेटा। शमशानी रोड़ियां तेरे घर के अंदर आई है, तूने उठाई भी है दो बार, ठीक है ना। हाँ तो बच्चे तांत्रिक क्रिया की गई है, इसको बच्चे हवन द्वारा अपने घर का इलाज करवा, तब जाके ठीक होगा बच्चे। जैसे तो बात तो नहीं मानता है कोई भी मेरी, मैं कैसे करूँगा। भभूति लेके जाओ, भभूति का छींटा दे और उसे पीला, कैसे नहीं मानेगा वो बात, मैं अपना पहरा लगाती हूँ, ठीक है। ये काम कर दे जाके, और बालाजी के नाम का नारियल रख दे, हो जाएगा सब ठीक, और अपने घर के बेटे शुद्ध करवा, मुक्ति करवा उन चीजों की। और उसको बोल दे कि अभी किसी का इलाज ना करे जब तक अपना कोई गुरु धारा नहीं है। अभी तो सब कुछ बर्बाद करवा लिया, अब क्या करवाएगा। पीछे पीछे पीछे।